नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं YouTube चैनल राजपूत टेक्निकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको LED बल्ब में जो ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती है उसमें एक नए फॉल्ट की रिपेयरिंग इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा लें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे एक 9 वाट का LED बल्ब रखा हुआ है और इसमें ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसे हम आपको सीरीज़ में चेक करके बताते हैं। देखिए, ये इस प्रकार से ये ब्लिंक की प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ऐसे ब्लिंकिंग कर रहा है ये। तो दोस्तों, ब्लिंकिंग के कई कारण हो सकते हैं, तो अभी हम इसमें आपको चेक करके बताएंगे। तो इसका हम ये डिफ्यूज़र ओपन कर लेते हैं पहले। दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इसमें LED लगी हुई हैं, इन सभी LED को सप्लाई देने के बाद, इस प्रकार से सीरीज सप्लाई देने के बाद, हर एक LED को इस प्रकार से चिमटी से शॉर्ट करके ऐसे चेक करना है। ये इस प्रकार से सभी LEDs को आपको चेक कर लेना है। यदि आपका कोई LED ख़राब होगी तो इसमें जो ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आपका बल्ब अच्छी तरह से ग्लो करने लगेगा, तो उस LED को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने क्या है कि इसकी सभी LEDs को हमने चेक कर लिया है, तो इसमें LED की प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनल प्रॉब्लम है। कुछ आपकी ड्राइवर PCB की प्रॉब्लम है, उसमें कोई ना कोई कंपोनेंट ख़राब है। तो अभी हम आपको इसमें इसके जो आउटपुट DC वोल्टेज हैं इसे हम चेक करके बता देते हैं, यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो मल्टीमीटर को हम 200 वोल्ट DC रेंज में रख लेते हैं। अब हम इसके जो प्लस माइनस जो पॉइंट है वहाँ पे हम चेक करके देखते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 44-45 करीब वोल्टेज आ रहे हैं। दोस्तों, ये 9 वोल्ट का LED बल्ब है, तो इसमें जो टोटल 18 LED लगी हुई हैं वो हर एक LED 3 वोल्ट की है। तो इस हिसाब से 18 LED को 3 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 54 वोल्ट करीब आना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे 44 वोल्ट करीब आ रहा है, यानी इसमें वोल्टेज डाउन हो गए हैं। तो ये ड्राइवर PCB में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, तो इसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो हम इसे पूरा ओपन कर लेते हैं, इसकी PCB बाहर कर लेते हैं और ये ओपन करने के बाद फिर आपको बताते हैं। दोस्तों, हमने LED बल्ब को ओपन कर लिया है और ड्राइवर PCB को हमने बॉडी से बाहर कर लिया है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है कि इसकी जो ड्राइवर PCB है उसमें जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उन्हें सभी को आपको फिजिकली चेक करना है कि कोई कंपोनेंट डैमेज तो नहीं है और कोई जला हुआ तो पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब आपको फिजिकली इसे चेक कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से इसे चेक कर लेना है। और इसके बाद ये जो ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती है, मोस्टली जो LED यहाँ पे जो SMD LED लगी होती हैं, इनके कारण, इनके ख़राब होने के कारण अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये जो LED बल्ब है इसकी सभी LED बिल्कुल ओके हैं और इसमें PCB से फॉल्ट आ रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो ब्लिंकिंग फॉल्ट है, कई बार ये जो ड्रम कॉइल है इसके ख़राब होने के कारण भी ये ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती है। और इसके अलावा यहाँ पे जो 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इनके ख़राब होने के कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, अभी हमने इसको पूरे सर्किट को अच्छी तरह से चेक किया है, तो यहाँ पे हमने ये ड्रम कॉइल को चेक किया है, ये बिल्कुल ओके है। और ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनमें से हमने ये जो DC आउटपुट कैपेसिटर लगा हुआ है 47 माइक्रोफेरेड 100 वोल्ट का, इसे भी हमने चेक कर लिया है और चेंज करके देख लिया है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा हुआ है 2.2 माइक्रोफेरेड और 63 वोल्ट का, इसे भी हमने चेंज करके देख लिया है। लेकिन यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगा हुआ है छोटा सा, ये आपका 10 माइक्रोफेरेड और 63 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसे हमें चेंज करके और देखना है। तो अभी हम इसे चेंज करके फिर आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये वाला जो कैपेसिटर है इस पर हमें डाउट हो रहा है। तो दोस्तों, आपको जो कैपेसिटर है इन्हें चेक करके नहीं देखना है,
क्योंकि कई बार कैपेसिटर लीक हो जाते हैं तो ये टेस्टिंग में प्रॉपर बता नहीं पाते हैं, तो इन्हें हमें रिप्लेस करके ही देखना चाहिए। तो ये जो कैपेसिटर है इसे अब हम रिप्लेस करके देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 10 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ था, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, उसे हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ था, आप देख पा रहे होंगे ये जो स्ट्रिप यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ इसका नेगेटिव पॉइंट था और यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट। तो ये जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ था उसे हमने बाहर निकाल लिया है। आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ था। देखिए आपको इसकी वैल्यू चेक करके बताते हैं। देखिए ये 63 वोल्ट का कैपेसिटर है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे आपको 63 वोल्ट और ये 10 माइक्रोफेरेड आपको वैल्यू दिखाई दे रही होगी। तो ये 10 माइक्रोफेरेड और 63 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर हमें इस पे डाउट है। तो अब हम इसे इसकी जगह एक नया कैपेसिटर, हमारे पास एक नया कैपेसिटर है। देखिए आप, ये 10 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट का एक नया कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को हम इसकी जगह पे लगा के चेक करके फिर देखेंगे कि हमारी जो ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम है ये सॉल्व हुई कि नहीं। तो दोस्तों, जब इस कैपेसिटर को आप लगाएं तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो माइनस का जो पॉइंट दिए हुए हैं, ये नेगेटिव वाला पॉइंट होता है। तो ये जो पिन है ये नेगेटिव की है इस साइड वाली, और इस साइड वाला जो है ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को आप ध्यान से देखकर लगाएं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक निशान दिया हुआ है, जो स्ट्रिप बनी हुई है ये नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर लगेगा और जो दूसरा वाला जो पॉइंट है वहाँ पे पॉजिटिव लगेगा। तो इस प्रकार से आपको इसे ध्यान से देख के लगाना है। तो ये इस प्रकार से इसमें लगेगा, हम आपको दिखाते हैं इसे लगा के। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको इसे लगाना है। ये देखिए यहाँ पे हमने, देखिए नेगेटिव जहाँ स्ट्रिप बनी हुई है वहाँ हमने नेगेटिव पॉइंट लगाया है और दूसरी साइड हमने पॉजिटिव लगाया है। तो इस प्रकार से अब हम इसे लगाने के बाद सोल्ड करके फिर चेक करके देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 10 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट का नया कैपेसिटर यहाँ पर प्लस माइनस पॉइंट पर हमने यहाँ पे लगा दिया है। आप देख सकते हैं ये हमारा नया कैपेसिटर है, ये हमने यहाँ पर माइनस और प्लस देखकर इसे लगा दिया है। तो ये हमने अब इसको चेंज कर दिया है। तो अब हम इसे चेक करके देखते हैं कि हमारी जो ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम है ये सॉल्व हुई कि नहीं। दोस्तों हमें इस कैपेसिटर पे डाउट था, तो अब हम इसे चेक करके देखते हैं। अब हम सप्लाई लगा के सीरीज सप्लाई से इसे चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो एलईडी बल्ब है ये बिल्कुल ओके हो चुका है, ये फुल इंटेंसिटी के साथ ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो हमारा 10 माइक्रोफेरेड और 63 वोल्ट का कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के कारण ही ये जो ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसे पूरा अच्छी तरह से बॉडी में फिट करके फिर आपको एक बार और चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो एलईडी बल्ब है फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो करने लगा है, ये बिल्कुल ओके हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो कैपेसिटर देख रहे हैं, ये 10 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट का जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के कारण ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो दोस्तों, जब भी आपको एलईडी बल्ब में कुछ इस प्रकार की समस्या लगे
तो आप कैपेसिटर को रिप्लेस करके ज़रूर देखें। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।